ताकत वाली धौंस। सातवीं सबसे ताकतवर सेना होने का दम। और चीन के दम पर आए दिन आंखें लाल करने वाली पाकिस्तानी सेना की सारी अकड़ एक झटके में औंधे मुंह गिर गई। ईरान ने 48 घंटे के अंदर एक नहीं दो दो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना F-16 से लैस उसकी एयरफोर्स मुंह ताकती रह गई। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया, पूरा ठिकाना बर्बाद कर दिया। जरा सोचिए, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने के बावजूद पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई, या कह लीजिए पाकिस्तानी सेना जवाबी हमले का हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। पहले हमला होने से ही इनकार किया, लेकिन जब ईरान ने तस्वीरें जारी कर दी तो सख्त एतराज जताकर चुप बैठ गया। पिछले महीने ही पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को अपनी सेना में मौजूद आतंकवादियों को नियंत्रित करने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा था कि पाकिस्तानी साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाना स्थापित ना करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था, फिर क्या, उसने प्यादों पर नियंत्रण तो दूर ईरान की चेतावनी को भी गंभीरता से लेना ठीक नहीं समझा। फिर क्या था, ईरान ने अपने खास ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सेना को ड्रोन हमले का पता क्यों नहीं चला। दरअसल ईरान ने अपने ड्रोन शाहेद 107 का इस्तेमाल किया। इस ड्रोन की रेंज भी 1000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर जाकर ये हमला कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये जमीन से बिल्कुल साथ साथ उड़कर ही दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, यानी उड़ान निजी होने की वजह से रडार में आए बिना ये टारगेट के बेहद करीब पहुंच सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के रडार इसे पकड़ नहीं पाया और ईरान सटीक हमला करने में कामयाब रहा और पाकिस्तानी सेना मुंह ताकती रह गई।